वेलकम बैक टू चैनल सिंह ब्लॉग आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हो मतलब खा सकते हैं लंच में खा सकते हैं डिनर में खा सकते हैं जब भी भी मन चाहे आप तभी खा सकते हो बहुत ही लाइट वेट है एंड यस yes, अगर कोई प्रेगनेंट लेडी है तो वो भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती है बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है सो so, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैं ये हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए मेरे पास जितने भी वेजीज अवेलेबल थे सभी मैंने निकाल के उसको फाइनली चॉप कर लिया है तो मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया है तो मैंने यहाँ पे लिया है बारीक कटे हुए बीन्स उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटे हुए प्याज ये लिया है मैंने शिमला मिर्च उसको भी फाइनली चॉप कर लिया है धनिया पत्ता ले लिया है टमाटर ले लिया है और दो से तीन मिर्ची ले लिया है मैंने ग्रीन चिली आप अपने तीखेपन के हिसाब से लीजिएगा तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सूजी तो जितने भी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी आप अपने हिसाब से लीजिएगा तो ये मैं मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग ले रही हूँ सूजी इसमें मैं ऐड करूँगी दो कप दही आप दही नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आप इसमें फिर इसके जगह पे आटा यूज़ कर सकते हो बट मैं यहाँ पे दही यूज़ करूँ क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है तो यहाँ पे मैंने दो कप दही ऐड कर लिया है क्योंकि दही भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है सूजी तो है ही फिर इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन पाँच से दस मिनट तो ये देख सकते हो इस पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक नमक हमें आ, अंदाजे से ऐड करना अकॉर्डिंग टू द टेस्ट क्योंकि इसमें वेजीज़ भी हैं तो उस हिसाब से नमक ऐड करना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दस मिनट होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि दस मिनट रखने के बाद सूजी जो है वो थोड़ी सी फुल जाती है तो ये देख सकते हो आप लोग तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे वेजीज जो भी मैंने कट की हुई हैं मैंने जैसे कि आप लोग को बताया आपके पास जो भी वेजिटेबल है वो आप डाल सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट वमेन है प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो डेफिनेटली ये अपने डाइट में यूज़ करिए बहुत ज़्यादा उन्हें फीलिंग भी लगेगा एंड डेफिनेटली हाई न्यूट्रीशन सो यहाँ पर मैंने वेजिस वगैरह में ऐड कर ले रही हूँ ये मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम आप आपके पास गाजर है बीट रूट है तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो तो उसी तरीके से मैं सब जितने वेजि है सब इसको डाल के इसमें और मैं मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था तो मैंने ग्रीन चिली ऐड किया आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो तो आप लोग ये देख सकते हो पूरा मिक्सचर जो है एकदम हरा भरा हो गया एंड लिटरली खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है एंड उतना ही हेल्दी है तो इसे मैं सभी सभी सब, वेजिज़ डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी हालाँकि ये जो मेरा यूटेंसल है छोटा पड़ गया इसको मैं चेंज करूँगी एंड देन उसमें मैं वो वाटर ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को प्रॉपर मेंटेन करूँगी तो ये देख सकते हो मैंने जो यूटेंसिल है वो चेंज करके इसमें वाटर ऐड किया है फिर हमें एक नॉन स्टिक पैन लेना है इसमें मैंने लिया है तेल तेल ज़्यादा नहीं लेना है थोड़ा सा ही लेना है और इसमें मैं ऊपर से ही इसमें ऐड कर रही हूँ राई तो ये देख सकते हो ये जैसी थोड़ा सा क्रैकल होगा फिर इसमें जो हमने बैटर तैयार किया है वो डालेंगे तो इसको हम लोग डालने के बाद ईवनली फैला लेंगे अच्छे से उसके बाद अगर आप चाहो तो ऊपर से भी राई डाल सकते हो बट मैंने नहीं डाला है इसको अच्छे से हम फैला लेंगे एंड देन अच्छे से हम दोनों साइड इसे पका लेंगे एंड ट्रस्ट मी गाइस ये मैंने खाया था लंच में क्योंकि मुझे लंच में कुछ नहीं खाने का मन था तो मैंने सोचा आज मैं ये चिल्ला ही खाऊंगी तो ये देखिए एक साइड तो बनकर तैयार हो गई है अब इसको मैं फ्लिप कर दूंगी, ये देख सकते हो और बस जैसे ही ये पाँच मिनट में नेक्स्ट फाइव मिनट्स में हमारा दूसरा साइड भी हो जाएगा एंड देन मैं उसे एक प्लेट में निकाल के टोमेटो केचप है या फिर टोमेटो सॉस है आपके पास जिससे भी आप खाना चाहें उसे आप खा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लंच में यही खाया है एंड मी गैस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई करिएगा एंड कमेंट में मुझे आके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा